हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे बिजनेस कम्युनिकेशन में व्हाई कम्युनिकेशन स्किल्स आर इम्पॉर्टेंट। ठीक है, तो आज का टॉपिक हमारा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और बेसिक है, पता होनी चाहिए आपको कि व्हाई कम्युनिकेशन स्किल्स आर इम्पॉर्टेंट, वेदर यू आर स्टडिंग इन द इंस्टीट्यूट और कॉलेजेस और वेदर वी आर टॉकिंग अबाउट द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इन ईच एंड एवरी ऑर्गेनाइजेशन आर इफेक्टिव आर रिक्वायर्ड अ हेल्दी कम्युनिकेशन इज रिक्वायर्ड सॉरी सो ड्यू टू दिस रीजन वी हैव टू मेक अ स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन एंड दीज स्किल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टू मेक अ हेल्दियर कम्युनिकेशन इन द ऑर्गेनाइजेशन। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक व्हाई कम्युनिकेशन स्किल्स आर इम्पॉर्टेंट। सो हियर नंबर ऑफ रीजन्स हैव रिटन इन दिस। फर्स्ट वन इज बेटर रिस्पॉन्स, इफेक्टिव कम्युनिकेशन। फर्स्ट रीजन इज बेटर रिस्पॉन्स। यू वॉन्ट टू ग्रैप बेटर रिस्पॉन्स टू यूर फॉलोवर्स और यूर ऑडियंस, सो यू ड्यू टू दिस रीजन यू हैव टू मेक अ हेल्दी कम्युनिकेशन। एंड हेल्दी कम्युनिकेशन कैन बी कंडक्ट इफ यू हैव अ प्रॉपर कम्युनिकेशन स्किल्स। ओके, सो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट टर्म इन द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन टू फाइंड आउट द रिस्पॉन्स ऑफ अदर पर्सन। For example, if we are sending the email to other person, that time it is expect by us ki we will receive the feedback or reply of that email. तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं बेटर रिस्पॉन्स। किसी को हम मेल भेज रहे हैं, किसी को कोई इन्फॉर्मेशन भेज रहे हैं, तो हमारी एक्सपेक्टेशन रहती है कि भाई इसका इमीडिएटली रिप्लाई आ जाए, फीडबैक आ जाए। ठीक है, तो रिस्पांस की हमें क्या है, हमें उस टाइम वेट करते हैं कि रिस्पांस क्या रिस्पांस आ रहा है। जैसे सपोज आप किसी को कोई अपनी प्रॉब्लम बता रहे हो, फिर वो उसको क्या कर रहा है, उसको क्या उसका कोई सॉल्यूशन दे रहा है, तो आप वहां पे भी आपको वेट कर रहे हो कि क्या रिस्पांस आ रहा है। तो इस तरीके से जब तक आप हेल्दी कम्युनिकेशन नहीं करोगे, तब तक अब आप वहाँ उसके बेटर रिस्पांस को अचीव नहीं कर सकते। ठीक है, तो पहला यही है व्हाई कम्युनिकेशन स्किल्स आर इम्पॉर्टेंट। फर्स्ट वन इज बेटर रिस्पांस। यू वांट बेटर रिस्पांस इन द ऑर्गेनाइजेशन, सो ड्यू टू दिस रीजन कम्युनिकेशन स्किल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। सेकेंड वन इज क्विक इन प्रॉब्लम सॉल्विंग। कम्युनिकेशंस प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल व्हाइल समवन इज फेसिंग सम प्रॉब्लम एंड दे आर कम्युनिकेट दिस प्रॉब्लम टू देयर सीनियर और मैनेजर। ठीक है, सो हियर वी आर टॉकिंग अबाउट प्रॉब्लम सॉल्विंग। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू क्लैरिफाई यूर प्रॉब्लम इन द फ्रंट ऑफ द पर्सन हुम टू यू वॉन्ट टू कम्युनिकेट, जिसको भी आप भी कम्युनिकेट करना चाहते हो। जैसे सपोज हम बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशन की, तो ऑर्गेनाइजेशन में हमें अपने मैनेजर को बतानी होगी। ठीक है, वी हैव टू कम्युनिकेट दिस प्रॉब्लम टू आवर बॉस, हमारा बॉस। अब उस प्रॉब्लम को अगर हम इधर उधर कम्युनिकेट करेंगे तो देर इज अ नो सेंस, कोई सेंस नहीं है, कोई उसका बेटर रिजल्ट नहीं मिलेगा। यू हैव टू कम्युनिकेट टू यूर रिपोर्टिंग पर्सन, जो भी आपका बॉस है उसको आपको रिपोर्ट करना, उसको आपको डिस्कस करना है कि भाई मेरी ये प्रॉब्लम है, चाहे वो प्रॉब्लम आपकी प्रोफेशनल है या कोई पर्सनल प्रॉब्लम है या कोई प्रोफेशनल प्रॉब्लम है। क्योंकि ठीक है, अगर कोई प्रोफेशनल प्रॉब्लम, सपोज यू आर फेसिंग एनी प्रॉब्लम ड्यूरिंग द वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन, दैट टाइम यू हैव टू कम्युनिकेट। जैसे प्रॉब्लम विद योर कोलीग्स, यू हैव सम सैलरी इश्यूज या फिर सम वर्किंग कंडीशन इश्यूज यू हैव, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, उसको कम्युनिकेट करोगे। जब तक आप उसको कम्युनिकेट नहीं करोगे, तब तक आप उसको कभी भी उसका जो एक तरीके से हम क्या कह सकते हैं, उसका कोई बेस्ट सॉल्यूशन है वो आपको नहीं मिलेगा। जैसे सपोज हम अपनी प्रॉब्लम अपने मैनेजर के साथ डिस्कस कर रहे हैं, तो बहुत क्लैरिटी के साथ हमें क्या करना है, बहुत सिंपली उस चीज़ को कम्युनिकेट करना है, ताकि हम उसको प्रॉब्लम सॉल्व उसको सॉल्व कर सकें। ठीक है, नेक्स्ट लिखा हुआ है स्ट्रॉन्ग डिसीजन मेकिंग। स्ट्रॉन्ग डिसीजन मेकिंग, यू वॉन्ट टू मेक अ बिजनेस प्लान, यू वॉन्ट टू मेक अ फ्रूटफुल स्ट्रेटेजी, सो दिस इज द रीजन यू हैव टू मेक अ You have to make a healthy communication. You have to do effective communication between the employees of the organization. तो जो अपनी जो strong decision making है उसके लिए भी आप क्या कर रहे हो, communication कर रहे हो।
भैया आप डिसीजन मेकिंग कर रहे हो, आप फ्यूचर प्लानिंग कर रहे हो, आप जैसे सपोज हम बजटिंग की बात करते हैं, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज की बात कर रहे हैं, तो ये सारे फंक्शंस तभी परफॉर्म हो सकते हैं जब एक हेल्दी कम्युनिकेशन है। अब हम इंडिविजुअली इन सारी चीज़ों को तो पूरा कर नहीं सकते, तो उसके लिए हमारे जो भी डिपार्टमेंट के मैनेजर्स हैं या फिर डिपार्टमेंट हेड्स हैं, ठीक है, सबका आपस में स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन होना चाहिए और कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, तभी जाके वो फाइनली डिसीजन मेकिंग करते हुए अपने लिए एक स्ट्रेटेजी को फॉर्मुलेट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है मोर प्रोडक्टिविटी। जी हाँ, बात कर रहे हैं प्रोडक्टिविटी की। इन द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट सुपरवाइजर कैन इट रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्टिविटी, सो ड्यू टू दिस रीजन दे कम्युनिकेट टू ईच अदर टाइम टू टाइम, दे हैव टू कम्युनिकेट टू देयर वर्कर्स एंड प्रोवाइड सच इंफॉर्मेशन टू देयर वर्कर्स, इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू प्रोडक्शन प्रोसेस। तो वो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं मोर प्रोडक्टिविटी। ठीक है, नेक्स्ट है कंसिस्टेंट इन द वर्क फ्लो। ओके, फॉर द मेकिंग द कंसिस्टेंसी इन द वर्किंग इन द फंक्शंस, दैट टाइम यू हैव टू मेक कम्युनिकेट टू ईच अदर, बिकॉज इफ यू आर वर्किंग इन द ग्रुप दैट टाइम यू हैव टू मेक अ स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन टू ईच मेंबर ऑफ द ग्रुप। ओके, स्ट्रॉन्ग बिजनेस रिलेशन। जी हाँ, बिजनेस रिलेशन, हियर वी आर टॉकिंग अबाउट द कम्युनिकेशन विद द वेंडर, सप्लायर, आउटसाइड द पार्टीज ऑफ द बिजनेस, सभी के साथ आपका प्रॉपर कम्युनिकेशन होना चाहिए और इफेक्टिव कम्युनिकेशन होना चाहिए। जैसे सपोज हम बात करते हैं बिजनेस सर्कुलर्स की, ठीक है, किस तरीके से रिटन कम्युनिकेशन होना करना है, किस तरीके से किसी को कोई लेटर ड्राफ्ट करना है, किसी को सॉरी आप कोई परचेज ऑर्डर सेंड कर रहे हो तो परचेज ऑर्डर आज के टाइम में क्या फॉर्मेट है, किस तरीके से आपको भेजना चाहिए ताकि जो भी आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं वो कंप्लीट हों, तो वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। कम्युनिकेशन स्किल्स आर इम्पॉर्टेंट, बेटर कंट्रोलिंग यू कैन डू इफ़ यू हैव अ प्रॉपर कम्युनिकेशन स्किल्स। ठीक है, प्रॉपर आपने क्या बना रखा है, एक लेवल बना रखा है, एक प्रोसेस, एक सिस्टम में आपका काम कर रहे हो। ठीक है, उस सिस्टम ने आपने क्या करा है, बहुत सारी ड्यूटीज असाइन की हैं, प्रोसीजर असाइन किए हैं, तो इस तरीके से आप क्या कर रहे हो, सारी चीज़ों को प्रॉपर कंट्रोलिंग करके चल रहे हो। एडवांस प्रोफेशनल यूजेस, ठीक है, तो वो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। और बेटर रिस्पॉन्स, तो इस तरीके से ये क्या है, कम्युनिकेशन स्किल्स विच आर वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्या है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जब भी हम बात करते हैं किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस की, तो उस टाइम हमें प्रॉपरली हेल्दी कम्युनिकेशन करना होता है, क्योंकि एवरीथिंग इज डिपेंड ऑन आवर कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन के बिना हम सपोज जैसे हम बात करते हैं प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर, आपके पास प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर है तो उसमें कम्युनिकेशन भी आता है, इन्फॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी का पार्ट भी आता है जो प्रॉपर होना चाहिए। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, व्हाई कम्युनिकेशन स्किल्स आर इम्पॉर्टेंट। तो दीज आर द रीजंस वेयर वी कैन से दैट कम्युनिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। विदाउट कम्युनिकेशन यू कांट डू इवन कोई भी फंक्शंस आप प्रॉपरली परफॉर्म नहीं कर सकते। ओके, थैंक यू वेरी मच।